believe. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आप ठीक है ना? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में. माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर और आप देख रहे हैं हमारी क्लास. और दोस्तों, इस क्लास का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स. दोस्तों, हमारे पेड क्लासेस में हमने आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक पार्ट वन और हिस्ट्री ऑफ बैंक पार्ट टू दोनों करा दिया है ना? तो ये दोनों चैप्टर आपको हमने करा दिया है और आज इस पर हम एमसीक्यूज की बात करेंगे. कल 1 PM फिर से हमारे पास एक खास टॉपिक है दोस्तों, और कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 questions, सुपर 40 questions ऑन द बजट. बजट आपके एग्जाम में आएगी दोस्तों, तो उसको भी आपको करना है क्लास, ठीक है? गुड आफ्टरनून, कैसे हो गाइस, कैसे हो आप लोग? सबका मोस्ट वेलकम क्लास में दोस्तों. अब शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, ठीक है? चलिए, नीरज बोल रहे हैं न्यू स्टूडेंट हियर सर, मे आई कम इन? या यू कैन. चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं. बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, हमें से जुड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे अपने क्लास की. तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, नाम बताना है आपको. भारत का पहला बैंक जो भारत में एस्टैब्लिश हुआ था, हमारे सामने 5 ऑप्शन है. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल एंड वन ऑफ दीस. 5 ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है और यहां पर आप लोग बी ऑप्शन बोल रहे हो. तो क्या बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है? क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा सही आंसर है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और हमको मालूम है कि बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1770 में दोस्तों. यहां पे एक अच्छा रिवीजन आपका क्लास का हो जाएगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहां पर आप क्लियर कर लोगे दोस्तों, ठीक है? चलिए, अरे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई. तो हमने आपको बताया दोस्तों कि पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था. बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1770. मुझसे गलती हो गई कि मैंने पहले ही आपको आंसर दे दिया, तो इसको छुमच मानते हैं हम लोग, ठीक? तुमने तो छुमच क्या होता है, छुमच तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सर, जब टोटल RRB 43 है तो वैकेंसी इतनी ज्यादा क्यों आती है? अभी हम ग्रामीण बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो पढ़ें उसकी बात कर लीजिए दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, विच बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1786. तो कौन से बैंक की स्थापना 1786 में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों. और यहां पर आप लोग आंसर भी कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया. दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि हमारे देश का दूसरा बैंक कौन सा था. तो हमारे देश का दूसरा बैंक कौन सा था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1786. तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लंडन इन 1946. इनमें से वो कौन सा बैंक है दोस्तों जिसने 1946 में लंदन में अपनी ब्रांच खोली थी, ये आपसे पूछा गया. और यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिए दोस्तों. आप लोग कल हम लोग पढ़ेंगे सुपर 40 क्वेश्चन ऑन बजट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर दोस्तों. यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, तो यहां पे बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ई. तो बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में लंदन में अपनी ब्रांच खोली थी और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक था, मतलब भारत से बाहर जाकर पहला बैंक ये था जिसने ब्रांच खोली. हाँ, बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर इंडिया में 1906 था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया दोस्तों. तो भारत में स्थापित पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, यह आपसे पूछा गया. आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, भारत में स्थापित पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन था, यह आपसे पूछा गया. यहां पे आप लोग बोलो बी ऑप्शन, क्या यह हमारा सही आंसर होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही आंसर है बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर.
तो बैंक ऑफ बंगाल का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर दोस्तों वो क्या था, 1806। बैंक ऑफ बंगाल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी दिखा दिया, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आपसे पूछा गया है द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया वेयर अमलगमेटेड इन टू विच बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे देश में तीन प्रेसिडेंसी बैंक थी, जब वो तीनों आपस में मर्ज हुई तो कौन सा नया बैंक बना, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोल लो बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो तीनों बैंकों को मिलाने से क्या बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों बना था। एक बात और देखो दोस्तों यहां पे, तो बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 दोस्तों, ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में ये एस्टैब्लिश हुए थे। तो सारे ईयर मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और यहां पर हमने एक ऐसा किया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मिले आपस में और मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाए, कौन से साल में, कौन से ईयर में। अब यहां पे आपसे ईयर पूछ लिया दोस्तों, अब यहां पे आपसे पूछ लिया ईयर की कौन से साल था, ये आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों। तो यहां पे हमारा आंसर होगा 1921, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1921 में हमारे देश में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, और यहां पे आप लोग बोल रहे हो कितना आंसर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बोल रहे हैं आप लोग। तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी दोस्तों, इसका एक नाम और भी था, इसका एक नाम और भी था, इसको हम लोग रॉयल कमीशन भी बोलते थे, रॉयल कमीशन। तो हिल्टन यंग कमेटी को हम लोग रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, देखिए यहां पे व्हाट इज राइट आंसर। कुछ लोग इसका पीडीएफ, देखो बेटा पहले पहले ना गांव बसता है, फिर लगता है मेला, और डाकू आते हैं तीसरे स्टेप में, तो अभी हम गांव बसा रहे हैं बेटा, डाकू क्यों बना तुम लोग, पीडीएफ कहां मिलेगा। व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों, तो ऐसे आंसर होगा 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश अंडर द विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट, यानी अब आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया था, तो अब आपको एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या नाम था, कौन से साल में ये आया था दोस्तों। What is right answer दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे सुपर 40 MCQs ऑन बजट दोस्तों, जरूर से क्लास में आना, और ये मैं आपको चैलेंज करूंगा कि मतलब इतना बढ़िया कंटेंट आप कहीं नहीं देखोगे, बहुत प्यार से बनाया तुम लोग क्वेश्चन तुम लोग के लिए। और आंसर हमारा क्या है आप लोग, सी। तो सी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यही बोले आप लोग, यही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, यही तो पढ़ाया था मैंने आपको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड एज अ विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1935 में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी बॉडी थी, नेशनलाइज बॉडी थी, शेयर होल्डर बॉडी थी, लिमिटेड बॉडी थी, गवर्नमेंट बॉडी थी, या नन ऑफ दीज था दोस्तों। हमारा आंसर यहां पर क्या होगा देख लीजिए, व्हाट इज राइट आंसर। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, वायु बोल रहे हैं, ए नेशनलाइज। अच्छा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी, और ये पैसा प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने लगाया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो शेयर होल्डर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, गलत मत बोलो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी, ये भी याद रखना, आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
before the information of Reserve Bank of India, which bank functioned as the bank to the government? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने से पहले वो कौन सा बैंक था जो अंग्रेजों के लिए एज अ बैंकर काम करता था, जो अंग्रेजी सरकार के लिए एज अ बैंकर काम करता था बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा गया है। ड्यूरिंग द क्लास मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, आंसर हमारा क्या होगा। तो आप लोग बोल रहे हो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये हमारा सही आंसर है? तो बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हमारा सही आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ये 1921 में हुआ था दोस्तों, भूला मत, है ना, अभी रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास इन इंडिया, यानी बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कौन से साल पास हुआ, यह भी आपसे पूछा गया है। देख लीजिए दोस्तों आंसर यहां पे हमारा क्या होगा, हमने यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, जी हां। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हमारे देश में, सॉरी 1949 में पास हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नॉट 1935 बेटा। युवानी ठाकुर कहां चले गए आप, 1935 में तो आरबीआई की स्थापना हुई थी। यहां मैंने क्या पूछा कि बैंकिंग रेगुलेशन के पास हुआ 1949 में, ना क्लास में मैंने पढ़ाया तो आप लोग को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से हम जानते थे, पुकारते थे, ये आपसे पूछा गया। और यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, यहां पे सागर बोल रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अंशु बोल रही हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अंजलि मिश्रा बोल रही हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ये हमारा सही आंसर है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, वेरी गुड। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, देख लीजिए, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में किस ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, आंसर हमारा क्या होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में किस ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा। तो जी हां बिल्कुल 1955, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों मैं बता दूं, मैक्सिमम जगह पे आपको मिलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ है, ये पूरी तरह से गलत आंसर क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ ही नहीं आज तक, है ना, तो ये क्या है 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर वेयर द सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, ये क्वेश्चन गलत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज नेशनलाइज्ड नहीं हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि वो कौन सा साल था जब सब्सिडरी का पावर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिल गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट, मैंने ये क्वेश्चन गलत है लैंग्वेज, आपको यह बताना है कि वो कौन सा साल था जिस साल एसबीआई को पावर मिल गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सब्सिडरी बैंक पर कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही 1959, ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन गलत है, हां लैंग्वेज गलत है इसकी, लेकिन भावनाएं आप लोग समझ चुके हो मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे, ठीक है। तो 1959 हमारा सही आंसर होगा, 1959 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों, ठीक। देखो यहां पे लिखा भी होगा, देखो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट, ये एक्ट पास हुआ था 1959 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन देखना, अगर तुम्हारे, ये हमेशा पूछा जाता है, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा। देखिए हाँ, ये गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे पीएनबी बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, अगर दोनों शब्द दिया हुआ है तो तुम्हारा आंसर दोस्तों क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर तुमसे केवल लार्जेस्ट पूछता तुम्हारा आंसर एसबीआई ही होता। मैंने कल ही क्लास में तुमको रैंकिंग पढ़ाई थी कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है, नंबर टू पर पीएनबी है, नंबर थ्री पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, नंबर फोर पे कैनरा बैंक है, नंबर फाइव पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। मैंने कल आपको पढ़ाया दोस्तों, जब मैंने कल आपको पढ़ा दिया कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई, तो वाई पीएनबी। हां अगर ओल्डेस्ट देखोगे तो आंसर तुम्हारा सही है,
तो अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सही करना होगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पुराना बैंक, तो तुम्हारा आंसर पंजाब नेशनल बैंक होगा, ठीक। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लिखा है, तो तुमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लगाना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? देखो क्यों, तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, आपको याद है बैंक ऑफ बंगाल 1806 में यह बन गया था, बाद में बैंक ऑफ बंगाल से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दोस्तों, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानता यह है कि हम यहां से बने हैं, तो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहां से मानने लगता है। तो फिर समझ लो, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन केवल यह पूछता है कि ओल्डेस्ट बैंक, तो पीएनबी, लेकिन ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पूछेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर लगाना, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो बेटा खत्म हो गया ना, मैंने आप लोगों ने क्लास को ध्यान से नहीं सुना है। यहां इस क्वेश्चन का ये है पूछा है ना, था नहीं पूछा है, ये है पूछा है कि मतलब वो बैंक जो एग्जिस्ट करता है, ये वो पूछा है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो खत्म हो चुका है ना, ये पहला बैंक था बट खत्म हो चुका है। क्वेश्चन की भाषा सुनो, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज, नॉट वॉज, इज पूछा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग पूछा है ना बेटा, तो ये होगा नहीं हमारा आंसर, है ना। हाँ, तो मेरी बातों को ध्यान देना, हम आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं आपसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। When was the first nationalization of bank were conducted? यानी बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हमारे देश में कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? अगर केवल, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर केवल ओल्डेस्ट पूछेगा तो पीएनबी बोलोगे, अगर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पूछेगा तो एसबीआई बोलना, इसके अलावा गलती मत करना एग्जाम में दोस्तों, ठीक। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? तो यहां पे हमारा आंसर है 19 जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस दिन पहली बार हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड एज ऑन 19 जुलाई 1969, यानी पहली बार जो बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे टोटल कितने बैंक थे, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। टोटल कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? यहां पे देखिए, तो यहां पे हमारा आंसर 14 है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वेयर कंडक्टेड इन, यानी बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारत में, बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया। जी हाँ, तो आप लोगों ने आंसर क्या दिया है, 1980, तो पूरा याद कर लो कब दोस्तों, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल 1980 को हमारे देश में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक। अच्छा, अगर मान लो दोस्तों क्वेश्चन पूछे कितने बैंक, तो दोबारा जो हुआ था तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहली बार में 14 बैंक थे, दोबारा 6 बैंक थे, तो यह भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड रेगुलेशन वॉज डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, यानी आपसे वही पूछा गया है, न्यू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी हमारे देश में जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुए दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, आंसर हमारा क्या होगा, नरसिम्हम कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो नरसिम्हम कमेटी हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज विथ विच बैंक इन 1993, यानी 1993 में एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से बैंक के साथ मर्ज होकर खत्म हो चुकी, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। यहां पे आंसर हमारा क्या होगा? जी हां बिल्कुल सही, तो यहां पे हमारा आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक, यानी गाइस बात समझिए, ये जो आप न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये नाम देख रहे हो, ये दोस्तों कौन सा बैंक था, ये वो बैंक था जो 6 बैंकों में नेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक, और बाद में ये मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, यानी अब कितने बचे, अब 14 और 5 बचे, मतलब 19 बैंक हो गए थे नेशनलाइज्ड 1993 में, ठीक है, इसको भी याद रखना, हमने क्लास में पढ़ाया आपको सारी बातें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आर सौराष्ट्र बैंक मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है दोस्तों, ये किस ईयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होकर खत्म हो गया, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। कल मैंने पढ़ाया था ना एस आई सब इंस्पेक्टर सौराष्ट्र इंदौर, तो पहले में सौराष्ट्र आएगा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 2008। तो 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होकर खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विथ नहीं सॉरी व्हेन वाज द भारतीय महिला बैंक, व्हेन वाज द भारतीय महिला बैंक मर्ज विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां उल्टा लिख गया। तो भारतीय महिला बैंक जो है वो कौन से साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुई, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, हमने कल ही क्लास में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, तो ये डेट है 1 अप्रैल 17, तो 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई थी। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट्स बैंक भी भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज हुए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब मर्ज हुआ, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिर 2013 में क्या हुआ था, 2013 में भारतीय महिला बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 2017 में भारतीय महिला बैंक मर्ज होकर खत्म हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारा आंसर 2010। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए थे इस साल में दोस्तों, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमने आपको ये पढ़ाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेस्ट 5 एसोसिएट्स बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से क्वेश्चन आ गया, वो कौन सा साल था जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट्स बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए। तो हालांकि मैंने इसकी इंफॉर्मेशन आपको अभी तुरंत दी है विद द भारतीय महिला बैंक, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। तो ये आपको क्लियर ही होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा कि देना बैंक और कौन सा बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे 2019 में, देना बैंक और कौन सा बैंक, और कौन सा, दो बैंक थे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे 2019 में दोस्तों। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, तो देना बैंक और विजया बैंक, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ये दोनों बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे 2019 में दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये बात हो रही है मेगा मर्जर की, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों बैंक किस में मर्ज हुए थे। मैंने आपसे बोला था एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पे आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक पूछा आपसे, तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होना चाहिए सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। याद किए रहना सब, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया है कि 2014 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था बंधन बैंक को और कौन से बैंक को, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि 2014 में सबसे लास्ट टाइम ऐसा है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों का लाइसेंस बांटा था, और दो लोग को, एक बंधन को और एक कौन सा, तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आईडीएफसी, ऑप्शन नंबर बी। तो आईडीएफसी और बंधन बैंक बने हमारे देश में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेक, स्टेक स्टेक का मतलब होता है शेयर, ये गलत लिखा हुआ है, STAKE, स्टेक इन SBI दोस्तों, मतलब वो कौन सा साल था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेयर एक्वायर कर लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये भी हमने कल क्लास में आपको पढ़ाया था, और यहां पे हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 2008, ऑप्शन नंबर सी। तो 2000 मैंने बताया था ना कि 1955 से लेकर 2008 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए थे, और 2008 में गवर्नमेंट ने आरबीआई के पैसे वापस कर दिए और अपने पैसे लगा लिए दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस,
इन विच ईयर भारतीय महिला बैंक वॉज एस्टेब्लिश विथ 1000 करोड़ कैपिटल। देखिए, यानी वो कौन सा साल था जब भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई विथ 1000 करोड़ कैपिटल। तो इसका आंसर भी मैं आपको पहले दे चुका हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर इज 2013। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसमें 6 बैंक हुए दोस्तों, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द नेशनलाइजेशन, यानी दोबारा जो बैंक राष्ट्रीयकृत हुए तो उन बैंकों की कैपिटल को लेकर क्या शर्त रखी गई थी, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? जी हां, तो ऐसे बैंक जिनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए या उसके ऊपर पैसे लगे हों उनको राष्ट्रीयकृत किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेगा इस नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर। वो कौन सा साल था जब स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक बीकानेर आपस में मर्ज हुए, ये भी हमने दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है। आंसर हमारा क्या होगा? वो कौन सा साल था तो साल था 1963, ऑप्शन नंबर सी। तो 1963 को ऐसा हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हमने पूरी स्टोरी सुना बना के आपको समझाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इस समय हुआ था, और अभी तक आंसर आना शुरू हो गया। 1949, 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल नहीं होगा, ना ना ना, 1 जनवरी है, गलत है ये, 1 जनवरी 1949 दोस्तों, ये गलत है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया था दोस्तों, वहां पे गलत है, अप्रैल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वॉज द इनिशियल अमाउंट ऑफ आरबीआई एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने, मतलब इनिशियल कैपिटल कितने थी, इस पर मैं आपको आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। विच बैंक कॉल्स फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, यानी किस बैंक को हम पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया हम किस बैंक को बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट स्वदेशी बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो हम आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? पीएनबी को हम लोग पहला भारतीय बैंक बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइए, पीएनबी को हम लोग पहला भारतीय बैंक बोलते हैं, ठीक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं 1911 दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट ईयर। पंजाब नेशनल बैंक को हम लोग पहला भारतीय बैंक बोलते हैं। तो यहां पे एक डिफरेंस है, अगर आपके एग्जाम में भारतीय पूछेगा तो पीएनबी, स्वदेशी पूछेगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली करेंसी 1938 में प्रिंट की थी, वो कौन से डिनोमिनेशन की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार 1938 में करेंसी प्रिंट की थी, कौन सी? 5 रुपए की दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक पूरा रिवाइज करवा दिया है दोस्तों। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन क्लास पेड बैच में है दोस्तों। फ्राइडे सैटरडे हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही। तो दोस्तों यहां पे हमारी कहानी खत्म होती है। कैसी क्लास लगी हमारी, प्लीज हमें कमेंट करें दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे आपसे सुपर 40 क्वेश्चंस ऑन बजट, हम इसकी क्लास करने वाले हैं, हाँ टेस्ट है वो भी आपका। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी सुबह मॉर्निंग में होगी, 7 AM पे करंट अफेयर्स, देन 1 PM पे सुपर 40 क्वेश्चन ऑन द बजट। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।